तो आज मैं बनाने जा रहा हूँ देसी स्टाइल में चिकन, जैसे गांव में मिट्टी वाले चूल्हा पे जो बनता है ना, सेम उसी तरह मैं बनाने जा रहा हूँ। तो अभी मैं वीडियो को लेट स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा लेट हो गया था। तो अभी मैंने प्याज को अच्छे से काट के डाल दिया है और तेल गरम करके उसमें तेज़पत्ता और मिर्च और क्या बोलते हैं जीरा डाल के मैं अभी प्याज को फ्राई कर रहा हूँ। अभी मैं प्याज को जो है ढक दिया हूँ अच्छा से फ्राई होने के लिए। और इधर मेरा चिकन है, आपने बहुत सारा चिकन खाया होगा, वो जो गैस वाला उसका टेस्ट और ये मिट्टी के चूल्हे वाला का टेस्ट बहुत अलग है। अभी जो है वो प्याज अपना रंग लेना स्टार्ट कर दिया है, देख सकते हो थोड़ा लाल लाल हो गया है। तो अभी इसमें हम मिर्च डालेंगे, मिर्च जो कूट के होता है। अभी इसमें मिर्च डाल के और मतलब उस थोड़ा तीखा लगता है डालने के ऊपर। और जो आपने खाया होगा ना कि गैस वाले उसका टेस्ट और जो मिट्टी के चूल्हे वाला का जो टेस्ट होता है उसका टेस्ट बहुत अलग होता है। अभी मैंने मरीच का जो होता है उसको कूट के डाला हुआ है। मिट्टी के चूल्हे का टेस्ट होता है अलग होता है। जो खाया होगा भाई वो नीचे कमेंट में बताना कि कैसा लगता है उसका। तो गाँव एकदम पूरा एकदम गाँव वाला फीलिंग आता है बता दे। तो अभी हम इसमें चिकन डालते हैं और क्योंकि इसी के साथ पकेगा तो अच्छा लगेगा, जल्दी जल्दी बन भी जाएगा। तो अभी हमने चिकन को जो है वो हमने डाल दिया, इसको जो है हम प्याज में अच्छे से जो चिकन को है उसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो हल्दी का कलर है वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। और इसको बढ़िया से चला देने के बाद, मिला देने के बाद उसको अब हम इसको ढक देंगे और उसके बाद थोड़े देर बाद खोल के देखेंगे कि कैसे पका है और कैसे हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हो चिकन जो है वो पानी छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। अब इसको जो है हम इसको अभी चला देते हैं। अब मैं आपको बता दूं चिकन जो है उसको गर्म पानी करके उसमें नींबू डाल के उसको फिर धोया गया है। तो अभी हम इसमें डालेंगे हल्दी के जो धनिया सॉरी हर धनिया पाउडर आता है वो डालेंगे। अभी एक चम्मच डालें फिर हाफ चम्मच डालेंगे इसमें और उसके बाद इसको मतलब बोले तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो मसाला है जो अच्छे से मिल जाएगा। अभी इसको मिक्स करते हैं अच्छे से। अभी जो ये है मिक्स हो गया है। अब इसमें डालेंगे मिर्च अपने स्वाद अनुसार, आप भी डाल सकते हैं मिर्च को। अभी मैं एक चम्मच मिर्च डालूँ। अब इसको भी मैं अच्छे से मिला लूँगा। जैसा कि ये जो है ये मीट मसाला है 5 रुपये में जो दुकान में मिलता है। अब इसको जो है इसको चारों तरफ हम डाल दूँगा ये स्वाद के लिए। अभी इसको थोड़ी देर जो मसाला जब पकता है ना वो महक उठा लेता है। अभी इसके डालने के बाद थोड़ी देर बाद ये जो है महक उठा लेगा। अब इसको अच्छे से चारों तरफ डाल देंगे और उसके बाद जो है हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये जो है अपना अच्छा कलर ले लेगा। अब इसको अभी मिक्स करते हैं। आप देख सकते हो मिट्टी का चूल्हा कुछ इस तरह का होता है। तो अभी हम इसको ढक देते हैं। अभी जो है हम इसको खोल खोल के बीच में इसको चेक करते रहेंगे, ये मतलब इसको मिलाते रहेंगे ताकि जो मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे आप देख सकते हो ये जो है ये तेल छोड़ना स्टार्ट करते हैं, मतलब जब मसाला पकता है ना तो वो तेल छोड़ना स्टार्ट कर देता है। और अब देखिए ये जो अपना कलर है ना वो एक्चुअली लेने स्टार्ट कर दिया और चिकन जो है पक के रेडी हो गया है। और इसको जितना मतलब भूजिएगा वो उतना लाल होते जाएगा। जिसे अभी साइड साइड में नीचे पकड़ रहा है तो अब इसको भूजते जिससे इसका ग्रेवी दिख रहे हो एकदम लाजवाब दिख रहा है, एकदम बोले तो टेस्टी टेस्टी एकदम। अभी जो हम ये है गरम मसाला का पाउडर, तो अब इसको मैं अच्छे से चारों तरफ मिला दूँगा। ये गरम मसाला का पाउडर किसी भी दुकान में मिल जाएगा, 5 रुपये में मिलता है। इसको मैं लास्ट ही में डालता हूँ, कितना लोग शुरू में ही डाल देता है, पर मैं लास्ट के लिए जो महक होता है ना स्वाद असली स्वाद ये इसको लास्ट में ही डालने से आता है। इसको डालने के बाद मैं जो है इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगा। जैसे आप देख सकते हो इसमें मैं हल्का पानी डाला हूँ ग्रेवी के लिए। और जैसे देख सकते हो जो तेल जो है ना वो एकदम छोड़ना स्टार्ट कर दे एकदम। जो अपना चिकन जो पक चुका है ऑलरेडी, अब मैं इसको थोड़ा भूज के जो लाल कर दूंगा और फिर इसको मैं थोड़े देर बाद इसको उतार दूंगा खाने के लिए। लो जी ये जो हम लोग का चिकन है वो फाइनली बन के स्टार्ट हो गया। इसका जो खुशबू आ रहा है आहा एकदम मस्त आ रहा है एकदम। अभी अभी वीडियो देख रहे हो तो आपको तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ
तो देख रहा हूँ तो इसका खुशबू एकदम लाजवाब, बोले एकदम पेट में गुड़गुड़ हो गया। अभी देख सकते हो कि जो एकदम चिकन का जो कलर एकदम एकदम ब्राउनी रेड हो गया है एकदम मस्त। अब इसको हम जो है चूल्हा पर से इसको हम उतार देंगे। अब इसको चलते हैं, इसको हम टेस्ट कर दें। अरे वाह लजीज रे भाई, मीट बन के तैयार हो गई बा, कितना टेस्टी लोग बता है। देखिए इसका इसका ग्रेवी देखिए देख। अभी हम टेस्ट करेंगे चावल के साथ, एकदम लजीज दिख रहा है देख। देखो हम देखो वाह एकदम देखो लजीज कबाल।